स्ट्राइकर ऑफ द मैच वेंकटेश अय्यर 1 लाख रुपए मिला, अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर ऑफ द मैच मिथिल स्टार्क 1 लाख रुपए मिला, सुपर सिक्सेस ऑफ द मैच वेंकटेश अय्यर 1 लाख रुपए और ट्रॉफी मिला, फोर्स ऑफ द मैच गुरबाज को 1 लाख रुपए मिला, ग्रीन डॉट बॉल ऑफ द मैच हर्षित राणा 1 लाख रुपए मिला। ये अवार्ड सेरेमनी में हुआ है। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड नितिश कुमार रेड्डी, प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल स्टार्क, लगातार दो प्लेयर ऑफ द मैच, भाई तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्वालिफायर वन में भी फाइनल में भी। स्ट्राइकर ऑफ द सीजन जेक फ्रेजर बेगर, मेरा गज कर दिया इसने दस्ता, दिल्ली कैपिटल्स, फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन सुनील नरेन, बहुत बढ़िया 10 लाख, सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन अभिषेक शर्मा 10 लाख, आगे आइएगा और भी देखें, और मेरे ख्याल से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सुनील नरेन, और अब शाहरुख खान के हाथ में ट्रॉफी आ गई है, साथ में गौरी जी भी है, साथ में जय जी भी है, जूही चावला के हस्बैंड और जूही चावला जी भी है, और सारी उनकी फैमिली आर्यन जी और एवरीबॉडी टुगेदर, और आमी केकेआर कौरबो लौड़बो जीतबो और जीत गए, बाकी पूरी जान डाल दी इस फ्रेंचाइज के लिए और जीत भी गए। अब देखिए इनका टैगलाइन है केकेआर है तैयार। अच्छा शाहरुख खान बोल रहे हैं हर्षित राणा वाला पोज करेंगे सब एक साथ, बट लेकिन एक चीज है कि जो इनका वो कह रहे, मैंने बोला तो क्या करने के लिए कर ही नहीं रहे तुम लोग, अब करवाएंगे। ट्रैविस हेड फोर्स ऑफ द सीजन, ट्रैविस हेड 10 लाख रुपए, कैच ऑफ द सीजन रमनदीप सिंह 10 लाख रुपए, एसआरएच फेयर प्ले अवार्ड 10 लाख रुपए एसआरएच को मिला, अब साथ में कर रहे सारे वही हर्षल हर्षित राणा वाला, हर्षल पटेल पर्पल कैप 10 लाख रुपए, ऑरेंज कैप विराट कोहली 10 लाख रुपए, बहुत बढ़िया, मतलब जूही चावला इज इमोशनल, बड़ी जीत है भैया, बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन एक बात है ना कि जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर गया है सुनील नारायण को, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नारायण 10 लाख रुपए, पिच एंड ग्राउंड 50 लाख रुपए किसको मिला है, रनर अप टीम एसआरएच 12.5 करोड़ और चैंपियन टीम को 20 करोड़ रुपए केकेआर, एक बात बहुत बढ़िया भाई, केकेआर है तैयार जो उनकी टैगलाइन थी, अब केकेआर पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच, उसमें पता डांस क्या था, ये तो ये था ये, और बाय द वे वो वीडियो बहुत वायरल जो जो जितने भी म्यूजिक हिट हुए हैं स्पोर्ट्स यारी में उसका पूरा पूरा श्रेय तबला तो नहीं चलो, चलो एक बार आज चुकी ने ताली बजे थ्रू द सीजन, टीम हारी हो इसकी जीती हो, इस बंदे की उंगलियां नहीं थकी, He deserves the biggest applause. अभी तो वर्ल्ड कप में भी आपको, अभी तो वर्ल्ड कप में भी आप यही उंगलियां थिरकानी है, कमाल वाला है, बेस्ट, हर बार आपको थिरकाना ही है, मजा आया, बहुत मजा। तो सारी सुपर चैट भी हो गई, सारी बातें भी हो गई, ग्रुप वाली सुपर चैट ले लीजिए, और कुछ वो ग्राफिक बना रहे हैं वो भी हमने पढ़ने हैं, तो वो ग्राफिक भी जल्दी दिखाइए, यही था मेरे ख्याल से सौरभ, नहीं और भी कुछ बना रहे होंगे, नहीं सौरभ सिंह कह रहे हैं कि रुला दिया ना बेचारी को, किसको रुलाया, किसको, काव्या जी, अच्छा आई डोंट नो, काफी सारे लोग रोए हैं, नहीं नहीं आशु जी कह रहे हैं कि अबे उंगली मल के भक्त जहरीले कोबरू पांडे जी फेवरेट, वाह वाह आपको नहीं लग रहा है बात क्या होगी, कल करेंगे क्या, लेकिन चलो मजा तो आया बड़ा और अमेजिंग भी था भाई। कोई और अगर आपने ग्राफिक बनाया है, किसी की स्पीच हो, कुछ हो जो आप करना चाहते थे वो करना है तो आप बता दीजिए, कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल सारी बात हमने करी ली है, मजा बढ़ाया आपके साथ, अभी तो वो भी शो करेंगे हिट 11 और फ्लॉप 11, हाँ वो होना चाहिए, लेकिन इतना फीका फाइनल यार, फीका प्लेऑफ, फीका प्लेऑफ, प्लेऑफ बहुत ही था, फीका तो वन साइडेड तो हुआ ही हुआ, लेकिन ऐसा हुआ कि लगा ही नहीं कि मैच हुआ, सबसे एक्साइटिंग मैच कौन सा, अच्छा, कौन सा हाँ, लगा भाई मैं भी पूछने वाला था, सबसे एक्साइटिंग मैच सबको कौन सा लगा, आई थिंक केकेआर आरसीबी खतरनाक मैच था, जब आरसीबी लास्ट एक रन वाला, फिर आरसीबी एंड सीएसके तो मैच ऑफ द टूर्नामेंट था मेरे ख्याल से, उससे बड़ा तो मैच ही कोई नहीं हुआ, और भी कुछ कुछ मैचेस हुए अच्छे जो क्लोज गए, पंजाब वर्सेस केकेआर क्या खतरनाक मैच था, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस एसआरएच बड़ा जबरदस्त मैच था, आई थिंक राजस्थान रॉयल्स केकेआर एसआरएच जो पहला वाला था, केकेआर एसआरएच जो क्लासिक फिनिश नहीं कर पाया था वो बड़ा खतरनाक मैच था,
अच्छे अच्छे मैचेस हुए हैं। राजस्थान जी टी जी टी सी एस के 200 मार दिया। केकेआर बटलर ने जो फिनिश किया था, अच्छा ये सोच रहे हैं कि मुंबई दिल्ली में जो हुआ था 200 चेज खत्म हो गया। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था एक ही मैच के लिए, एमआईसीएस के, देखो मेरे लिए अगर मैं कहूँ तो यादगार लखनऊ ने कैसे चेन्नई को 2 बार फिर इवन बटलर ने 100 मार के जो चेस किया था, वही तो मैं बता रहा हूँ, आरआर वर्सेस केकेआर जो बटलर ने जिताया था, एक ही मेमोरेबल मैच आरसीबी वर्सेस सीएसके, नंबर वन मैच था, एक और मेमोरेबल मैच था जो 9 ओवर में खत्म कर दिया गया था एसआरएच एलएसजी जिसके बाद यहाँ पे मार पिटाई के लिए भी उतर आए थे एलएसजी के। आई थिंक 277 वाला भी अच्छा था, 277 is not good for business, कह रहे हैं अनुराग दत्ता। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो नियम है, आपने 4 मेगा ऑक्शन से पहले 4 ही प्लेयर रिटेन करने होते हैं और 1-2 प्लेयर को आप राइट टू मैच कार्ड से ले सकते हो, यही होता है सभी टीमों के लिए होता है। रोहित शर्मा का जो आखिरी मैच था बतौर मुंबई इंडियंस, हां एमआई वर्सेस एलएफजी, वो भी बड़ा अच्छा मोमेंट वाला था, बहुत बड़ा मोमेंट था वो भी। लेकिन एक बात बोलूंगा पांडे जी, खैर आप भी वो दुख नहीं समझेंगे, 4 साल हो गए, क्या बकवास करना चाहते हैं, 4 साल हो गए मुंबई के जीत नहीं रहे, आप जीतेंगे भी नहीं कभी, सुपर चार्ट दिखा दीजिएगा। अरे आप जीत ही नहीं सकते भाई, बस 4 साल। गौरव पी, वेयर द पर्पल विद द गोल्ड, प्राउड ऑफ बीइंग अ केकेआर फैन, थैंक यू स्पोर्ट्स चैरिटी टीम, एंजॉयड दिस सीजन विद दिस विद यू गाइस, आज पूरी रात हाईलाइट्स देखेंगे, वेरी गुड यार गौरव पी, थैंक यू सो मच। आप भले ही केकेआर के फैन है, दिल से खुशी हुई होगी आपको, लेकिन इस मैच की हाईलाइट्स आप कितनी बार देख लेंगे, डोमिनेट करा है लेकिन पांडे जी बहुत ही 4 साल मैच हुए, 4 साल लगातार हारने के बाद पहले हमने ट्रॉफी जीती थी, 13 मतलब 8 में शुरू हुआ था, 5वें साल हमने ट्रॉफी जीती थी, आप उस उम्मीद में चल रहे हैं, अगले साल फिर से आप देखिए, आप 4 साल हो गए, अच्छा सुपर चैट सुपर चैट, लगातार पहली सुपर चैट भेजने के लिए थैंक यू।